ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री राम। साथियों, विद्वज्जनों और मेरे अनन्य प्रिय विद्यार्थियों, आज मैंने अपने व्याख्यान का प्रारंभ गायत्री मंत्र से किया है। अभी आपने सुना, गायत्री मंत्र सारे मंत्रों का राजा है, सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, भारत में नहीं संपूर्ण धरा पर विश्व प्रसिद्ध मंत्र है गायत्री मंत्र। न परो पपरो मंत्र, इसके समान कोई मंत्र नहीं है। गायत्री मंत्र की विशेषता, दरिद्रता का विनाश, रोग का विनाश, शत्रुओं का विनाश, मानवता का संचार, संस्कृति का विकास और स्वयं व्यक्तित्व का निखार। साथियों, आज का हमारा विषय वाल्मीकि रामायण है। वाल्मीकि रामायण समाज में संस्कृत भाषा के कारण जन जन तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन उसको पहुंचाने का काम प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित मानस लिखकर किया। साथियों, वाल्मीकि ऋषि जो हैं, उन्होंने इस रचना को कभी ऋषिवर नारद से सुना था। वाल्मीकि ऋषि, मुझे बड़ा गर्व है, वाल्मीकि का आश्रम कानपुर के समीप बिठूर के पास है। मैं कानपुर का रहने वाला हूं। महर्षि वाल्मीकि एक दिन क्रोच और क्रोची की वेदना, मैं उस कहानी में नहीं जाऊंगा, जब शिकारी तीर चला देता है और उनका हृदय उस वेदना से, उस पीड़ा से विह्वल उठता है, मां निषाद शब्द से कहकर इस धरती में कविता का जन्म हो जाता है। आदि कवि कहा गया वाल्मीकि जी को, और फिर उसके बाद महर्षि नारद ने वाल्मीकि जी से जब भेंट हुई, ऋषि और वाल्मीकि ने उनसे पूछा, हे नारद ऋषि, एक ऐसा व्यक्तित्व जो राजा भी हो, जो मर्यादा पुरुषोत्तम हो, धीरोदात्त नायक हो, लोकप्रिय हो, कल्याणकारी हो, समाज के तमाम सारे संबंधों के आवरण में सुशोभित हो, ऐसे व्यक्तित्व पर एक महाकाव्य लिखने की इच्छा है। तब नारद जी उन्हें भगवान राम का नाम देते हैं। उस लंबी कथा में नहीं जाऊंगा, मैं वाल्मीकि रामायण का एक संक्षिप्त विवेचन आपके सामने आज कर रहा हूं। कभी मैंने रामचरित मानस का किया था। साथियों, वाल्मीकि रामायण में कांड की संख्या, साथियों एक बात ध्यान रखिए, जो विद्यार्थी हैं, किसी भी महाकाव्य में कुछ नियम होते हैं। नंबर एक, उसे कांड में, सर्ग में, अध्याय में विभाजित होना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित मानस को भी वाल्मीकि रामायण को आधार मानकर लिखा। इस कांडों में वाल्मीकि जी ने 7 कांड बनाए। पहला बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। इन 7 में 6 कांड तो गोस्वामी जी ने रखे, लेकिन जो युद्ध कांड है, इसे गोस्वामी जी ने लंका कांड का नाम दे दिया। साथियों, ऋषि वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि साक्षात महामानव नहीं, मैं तो उनको साक्षात अवतार मानता हूं। राम रक्षा स्रोत एक हमारी पुस्तक है, बड़ी कल्याणकारी पुस्तक है। उस पुस्तक का जब विनियोग किया जाए, पढ़ा जाए, ओम अस श्री राम रक्षा स्रोत मंत्र से बुद्ध कौशिक ऋषि जिन्होंने लिखा था, बुद्ध कौशिक ऋषि, अनुष्टुप छंदः, सीता शक्ति, श्रीमान हनुमान कीलकम, श्री रामचंद्र प्रीत्यर्थे, राम रक्षा स्रोत जपे विनियोग। उन्होंने जब उस पुस्तक को, राम रक्षा स्रोत को लिखा, तब उसमें लिखा उन्होंने, कूजंतम राम रामेति
मधुरम मधुराक्षरम आरुहम कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलाम। मैं वाल्मीकि रूपी कोकिल की वंदना करता हूँ। सोच लीजिए, जहाँ राम की वंदना है वहाँ वाल्मीकि जी की वंदना है। यही नहीं, स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित मानस का पहला पेज पृष्ठ खोलिएगा, जहाँ से रामचरित मानस को प्रारंभ किया है, जहाँ वो लिखते हैं वर्णा नाम अर्थ संघा नाम रसा नाम छंद सामपि मंगला नाम चकर्तारो वंदे वाणी विनाई को, उसी में आगे बढ़िएगा, वो कहते हैं सीताराम गुणग्राम पुण्या रण बिहारिणो वंदो विवंदे विशुद्ध विज्ञानो कविस्वरो कपीश्वरो। बड़ी सुंदर बात कही है, हनुमान जी से पहले वाल्मीकि जी की वंदना की। कविस्वरो कविस्वरो, कवि से हैं कविस्वरो, कवि के ईश्वर, कवियों में श्रेष्ठ आदि कवि, और कपीश्वरो हनुमान जी के लिए कपीश्वरो कपीश्वरो। साथियों, सबसे बड़ी बात जो वाल्मीकि रामायण की है, मैंने अभी आपसे कहा विश्व में सबसे सर्वश्रेष्ठ मंत्र है गायत्री मंत्र, और गायत्री मंत्र का और वाल्मीकि रामायण का अद्भुत समन्वय है। आप कहें कैसे? वाल्मीकि रामायण में देखें आप, मैंने 7 कांड बता दिए, हर कांड में कुछ सर्ग हैं, जैसे वहाँ चौपाइयाँ हैं, यहाँ सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं जरा देखिएगा, बाल कांड में 77 सर्ग हैं, 77, और अयोध्या कांड में 119 सर्ग हैं, अरण्य कांड में 75 सर्ग हैं, किष्किंधा कांड में 67 जिसे आप कहेंगे 67 सर्ग हैं, सुंदरकांड में 68 सर्ग हैं, युद्धकांड में 128 सर्ग हैं। गोस्वाम वाल्मीकि जी ने युद्धकांड को बड़ा कर दिया। उत्तरकांड में 111 सर्ग हैं। इतने सर्ग हैं साथियों, सर्ग माने का अध्याय, और एक एक सर्ग के अंदर किसी में 70, किसी में 100, किसी में 50, किसी में 60, ये श्लोक हैं। कुल श्लोक कितने हैं जरा मैं आपको बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा। बाल कांड में 2880 श्लोक हैं, 2880 बाल कांड के हो गए। अयोध्या कांड में 4286 श्लोक हैं, ये श्लोक की संख्या है टोटल। अरण्य कांड में 2440 श्लोक हैं, 2440। अरण्य के बाद किष्किंधा कांड में 2455 श्लोक हैं, ये देखिए 2455। सुंदर कांड में 2855 श्लोक हैं, और इसके बाद युद्ध कांड में 5692 और उत्तरकांड में 3432। अब आइए साथियों, बड़ी गजब की बात बताने जा रहा हूं संत, यदि आप इनको जोड़ दें टोटल सर्ग को, अध्यायों को 645 होते हैं, और अगर हम इन श्लोकों की संख्या जोड़ दें 24,000 श्लोक होते हैं। 24, बहुत बड़ी गजब की बात है, 24,000 श्लोक हैं। यदि कुछ लोगों की मान्यता ये 24,040 है, लेकिन 40 को हमने पूर्ण संख्या न मान करके 24,000 ही रखा गया। 24,000 श्लोक हैं, और गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं, वर्ण कितने हैं 24। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः। और एक संयोग देखिए, भगवान की साक्षात कृपा देखिए, माँ सरस्वती का साक्षात वरदान देखिए, जो विश्व प्रसिद्ध मंत्र है वो वाल्मीकि रामायण में कैसे समाया हुआ है। यदि वाल्मीकि रामायण के 24,000 श्लोकों में हर 1,000 के बाद, 1,000 श्लोकों के बाद जो पहला अक्षर आता है, पहले 1,000 के बाद जब देखेंगे वहाँ पर ओम मिलेगा, दूसरे में आएंगे और वो 2400 अक्षर अगर जोड़ दिए जाएँ तो गायत्री मंत्र के सारे अक्षर आ जाते हैं, गायत्री मंत्र बन जाता है। यह है गायत्री मंत्र का और वाल्मीकि रामायण का अद्भुत समन्वय, कितना प्रसिद्ध, कितना। यद्यपि वाल्मीकि रामायण
जिस समय पढ़िए अगर कभी कभी मौका मिले, गीता प्रेस गोरखपुर में हिंदी रूपांतर भी साथ में है। यदा कदा मैं तो कहता हूँ विद्वानों के लिए एक अद्भुत झांकी है, एक अद्भुत कोश है। जब वाल्मीकि जी विशेषणों का प्रयोग करते हैं, जब वाजपेयी जी की बात या आपके, जब वास्तव में वाल्मीकि जी आपको बताते हैं युद्ध का वर्णन, सैनिकों की संख्या, लोगों की सुंदरता, श्रृंगार का वर्णन, युद्ध का वर्णन, वियोग का वर्णन, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यदा कदा ऐसा भी लगता है कभी कभी, कम सुधीजन के लिए, विद्वानों के लिए, शोधकर्ताओं के लिए तो अथाह सागर है। यदा कदा कुछ लोगों को ऐसा भी लगने लगता है कभी कभी मुझे भी कि इतनी विद्वता, यदा कदा मुझे ऐसा प्रतीत होने लगता है कि कहीं अतिशयोक्तिपूर्ण तो नहीं है। क्षमा याचना करते हुए, ये उनकी एक संख्या है। अगर आप इतना याद रखेंगे, आपकी रेल की यात्रा हो, समाज हो, कहीं बोलते समय हो, जब भी आप बोलना शुरू करेंगे और बताएंगे वाल्मीकि जी द्वारा रचित ये, क्योंकि हमारे पास रामायण और महाभारत दो ही ग्रंथ हैं जो इस धरती पर सर्वश्रेष्ठ हैं। इस रामायण में ये विशेषता है रामायण की, वाल्मीकि रामायण की। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनकी वंदना की, उनकी वंदना करने के बाद ही राम, क्योंकि कहा जाता है, हाँ गोस्वामी जी ने उसे मर्यादित कर दिया, सामान्य जनता के लिए कर दिया। वाल्मीकि जी विद्वता, यद्यपि गोस्वामी जी के एक एक शब्द जो हैं विद्वानों को अटकाए रहते हैं, मैं तो एक चौपाई से दूसरी चौपाई में पहुँच नहीं पाता हूँ, कई कई दिन लग जाते हैं। तो ये हमारा ग्रंथ वाल्मीकि रामायण जानना जरूरी है। संस्कृत भाषा से हम भले दूर हो रहे हों, हम भले बच्चों को न पढ़ने दे रहे हों, लेकिन वाल्मीकि रामायण कम से कम हम बता तो सकते हैं। बाल कांड का मतलब है बच्चों का कांड, राम की बाल लीला का वर्णन है। पहले अध्याय में ही नारद जी बता रहे हैं सब कुछ, राम का जन्म होता है, अयोध्या कांड में विवाह तक हो जाता है, बाल कांड में, अयोध्या कांड में अयोध्या का वर्णन है, राम को वनवास तक हो जाता है, चले जाते हैं, अरण्य माने जंगल होता है, उस वन का वर्णन है, सीता का अपहरण होता है, किष्किंधा पर्वत पर हनुमान जी से भेंट होती है, सबरी के यहाँ भगवान जाते हैं, सुंदरकांड में सब कुछ सुंदर हो जाता है, सीता का पता चल जाता है, लंका दहन हो जाता है, समुद्र पर पुल बन जाता है, नील और नल, अंगद का प्रवेश हो जाता है, युद्ध कांड में युद्ध होता है, उस युद्ध में ही अगर आप देखेंगे बानरों की संख्या, उस युद्ध में अगर आप देखेंगे नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग, और उत्तर कांड में सब कुछ समर्पित होकर तमाम चीज़ें लाते हुए समेटते हुए वाल्मीकि जी ने इस अद्भुत ग्रंथ की, विशाल ग्रंथ की रचना की है। मैं वाल्मीकि जी को और अरण्य और स्वयं वाल्मीकि द्वारा रचित इस रामायण को सत सत नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.